नमस्कार दर्शकों, कोक टॉक में आप सभी का स्वागत है। और फिर से एक और बार डॉक्टर संदीप डोगरा हमारे साथ मौजूद है। तो सर, सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो बिल्कुल सर, आज शुरुआत इस तरीके से करेंगे कि जहां पे सब ये तो कह रहे हैं कि थर्ड वेव आने वाली है, तीसरी लहर इसकी देखने को मिलेगी, लेकिन इस समय की अगर हम बात करते हैं तो दूसरी लहर इस समय चल रही है। पहली लहर से अगर एक कंपैरिजन बिठाए, दूसरी लहर का क्या कुछ अलग देखने को मिला, सिम्टम्स में क्या बदलाव आए और किस तरीके के चेंजेस जो है वो पेशेंट में देखने को मिले? देखिए, अगर हम पिछले साल मार्च की बात करें जब कोविड की पहली लहर हमने देखी थी, और अगर आज की बात करें तो इस दूसरी लहर में सबसे बड़ा जो बदलाव हमने जो देखा वो था कि वायरस का जो पुराना रूप था एक साल पहले का, वो नहीं रहा था जी। उस वायरस ने अपने नए वेरिएंट्स बनवाए थे, और वो वेरिएंट ही आज की डेट में हमें जो है, हमारे जो मरीज़ हैं उनमें हम देख रहे हैं। और इन वेरिएंट्स का एक फीचर ये है कि ये पहले से ज़्यादा इन्फेक्शियस हैं जी। ये एक से दूसरे में जल्दी फैलते हैं, कम वक्त में फैलते हैं जी। और इनका जो 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 इनका इन्फेक्शन का जो स्तर है वो भी पहले से ज़्यादा है जी। और कहीं ना कहीं पे ये डायरेक्टली या इनडायरेक्टली मोर्टेलिटी भी कॉज कर रहे हैं जी। सबसे बड़ा बदलाव ये है। दूसरा, हमने ये देखा कि जैसे कि आपने देखा होगा कि पिछली बार ज़्यादातर जो हमारे बुज़ुर्ग थे, जो बुज़ुर्गों में भी जो कोमॉर्बिड थे, जिनको कुछ बीमारियाँ थी, वो कोविड के शिकार हुए थे जी। पर इस बार क्योंकि ये वायरस काफ़ी अग्रेसिव है, काफ़ी इन्फेक्शियस है, तो हमने देखा कि जो लोग भी रिस्क टेकिंग, जिनका बिहेवियर ज़्यादा होता है, यंग जो एज ग्रुप्स हैं, बच्चे हैं, बुज़ुर्ग, सारे के सारे जो एज ग्रुप थे, वो हमने देखा कि वो उसमें सारे के सारे पॉजिटिव आए जी। तीसरी जो सबसे बड़ी चीज़ थी कि पिछली बार का जो जो इसका एक्सटेंड था वायरस का, वो बड़े बड़े शहरों में, मेट्रोस में, बड़ी बड़ी सिटीज़ में था जी। पर इस बार जो इसकी पेनिट्रेशन है वो गाँव में, हमारा जो देहात है जी, उस तक काफ़ी अंदर तक गई है। और इसी यही रीज़न है कि हमारे जो गांव हैं वहां से भी हमें इन्फेक्शन्स और डेथ की जो जो खबरें आती हैं, ये उसका एक परिणाम है। तो ब्रॉडली ये इसके तीन रीज़न थे। एक और बात है कि हॉस्पिटल की बात करें तो हमारे पास जो पेशेंट हैं काफ़ी सिक पहुँच रहे हैं, उनमें ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट ज़्यादा है पिछले साल के कंपेरिजन में देखें। तो ब्रॉडली ये पाँच चीज़ें हैं जो हमने देखी कि जो पहली और सेकेंड वेव में अलग अलग थी जी। हम ये कह सकते हैं कि सेकेंड वेव में जो एक इस वायरस ने अपना बदलाव से एक रूप बदला, वो ज़्यादा तेज़ी से फैला दूसरी लहर में, और घातक भी ज़्यादा साबित हुआ कि जिसमें ब्रेथलेसनेस के केसेस सामने आने लगे या सिम्टम्स में भी बदलाव देखने को मिले जी। मैं एक बात कहना चाहूँगा कि देखिए, ये सेकेंड वेव जो आई है, इसका हमें समझना है कि ये आई क्यों। पहले सबसे बड़ा सवाल है कि सेकेंड वेव क्यों आई। अब देखिए, वायरस का जो फितरत है उसने अपने आप को मल्टीप्लाई करना है जी। उसका ये नेचर है, उसका जो कोड है, उसने अपने आप को मल्टीप्लाई करना है जी। और मल्टीप्लाई वो एक इंसान से दूसरे में ही कर सकता है जी। सर, मैं आपको एक मिनट रुकना चाहूँगी, पहले सवाल ले लेते हैं। हेलो जी सर, अपना सवाल बोलिए सर। हाँ जी, गुड इवनिंग। वेरी गुड इवनिंग। हेलो जी। जी, सवाल बोलिए सर अपना। हाँ जी, गुड इवनिंग। मैं पिछले 6-7 दिन से कोशिश कर रहा हूँ आपको फोन लगने के लिए। हाँ बताइए, सुन रहे हैं आप? नहीं लग रहा है। आप सवाल बताइए। ये है कि 18 और 44 एज के लिए कश्मीर में वैक्सीन अवेलेबल नहीं है जी। जी जी, आप जी, हमें आपकी बात सुन लिया हमने। देखिए, आप वैक्सीन जो है कश्मीर में आ चुकी है। मुझे पूरी उम्मीद है कि कल से जितने भी सेंटर हैं उनको वैक्सीन का लॉट मिल जाएगा, और आपका अच्छा वैक्सीनेशन जो है बहुत जल्दी शुरू होने वाला है। कुछ लॉजिस्टिक अच्छा के इश्यूज थे, वो सब के सब सॉल्व हो गए हैं। अब जल्दी ही आप सभी को 18 से 44 का जो ग्रुप है, इन सभी के जो सेंटर्स हैं वहाँ पे वैक्सीन जो है जल्दी शुरू हो जाएगा। आप कल सुबह ट्राई कीजिए, कल सुबह 9 बजे ट्राई कीजिए, आपको स्लॉट मिल जाएंगे और जल्दी ही आपको वैक्सीन भी आप जो है पहुंच जाएगी। कल तक का वेट कीजिए प्लीज जी। तो बिल्कुल जिस तरीके से आप कह रहे थे कि आखिरकार ये सेकेंड वेव जो है ये आई। हाँ, तो वायरस का जो है वो एक पॉजिटिव आदमी ही एक दूसरे को, नॉर्मल आदमी को ये वायरस दे सकता है। और इसका जो सबसे ज़्यादा जो ये लिंक है, जिसको हम चेन ऑफ ट्रांसमिशन कहते हैं जी। ये जो चेन ऑफ ट्रांसमिशन है बहुत ही अच्छी तरीके से हमने देखा था
कि सितंबर में पीक आया था, उसके बाद में केसेस कम होना शुरू हो गए और सितंबर अक्टूबर तक एक हमें लग रहा था कि सब ठीक हो गया है, और उसी को देखते हुए लोगों ने थोड़ा सा जो है अपने जो प्रिकॉशन थे कॉशन था वो डाउन कर दिया। हालांकि कभी भी किसी भी देश की गवर्नमेंट ने ये नहीं कहा कि पेंडेमिक खत्म हो गया है, लेकिन लोगों ने अपना ही मान के इसको ख़त्म कर दिया था और एडवाइजरीज को फॉलो नहीं किया और अपना जो रिस्क था वो बढ़ा दिया। और हमने देखा कि वो जो ट्रांसमिशन जो पहले ब्रेक हुआ था या कम हुआ था वो एकदम बढ़ गया और साथ ही साथ में केसेस आना शुरू हो गए। इसमें एक बात हो रहा है कि जब हम वेरिएंट्स की बात करते हैं तो वेरिएंट्स के आने का सबसे इम्पोर्टेंट रीज़न होता है आपका मल्टीप्लिकेशन, कितने लोगों को वायरस मल्टीप्लाई करता है। जितनी बार वो मल्टीप्लाई करेगा आगे अपनी चेन बढ़ाएगा उतना ही म्यूटेशन ज़्यादा होंगे, जितने म्यूटेशन ज़्यादा होंगे उतने ही वेरिएंट्स आएंगे। तो ऐसा नहीं है कि आज की डेट में जो वेरिएंट्स देख रहे हैं इसके बाद और वेरिएंट्स नहीं आएंगे। अगर हम कोविड के एप्रोप्रिएट बिहेवियर का फॉलो नहीं करेंगे तो रिस्क है कि और भी कल को वेरिएंट्स आ सकते हैं जो हमें और परेशान कर सकते हैं। जी सर, नेक्स्ट सवाल ले लेते हैं। हेलो हेलो जी सर, अपना सवाल बोलिए सर। हेलो जी, सवाल बोलिए सर अपना। जी जी, मेरा नाम है मंजूर अहमद, श्रीनगर से। जी बोलिए, क्या सवाल है आपका? मेरा सवाल ये है कि मेरे मिसेज का ये जो पहला डोज हो गया ना जी, तो डिस्चार्ज हुआ था ब्रेस्ट से। जी दोनों ब्रेस्ट से थोड़ा सा डिस्चार्ज हो गया। जी वैक्सीन के बाद? जी जी जी, और हर्पीस भी निकला बाद में, ये इसी का साइड इफेक्ट है कुछ? नहीं नहीं नहीं, आप इससे इसको लिए भी करना बाकी है। कितने दिन हो गए वैक्सीन को लिए हुए? हाँ वैक्सीन लेना, वैक्सीन को लिए हुए कितने दिन हो गए हैं? अभी 5 हफ्ते हो गए। 5 हफ्ते हो गए, ठीक है जी। तो देखिए अभी तो वैसे भी जो दूसरी डोज है वैक्सीन की वो आप कम से कम 12 हफ्ते का जो टाइम है वो बढ़ गया है, तो अभी आपको इंतज़ार करना पड़ेगा। बाकी इस जो आपका जो आपने जो प्रॉब्लम बताया उसका वैक्सीन के साथ में कोई कनेक्शन नहीं है, ठीक है? नहीं, मैंने एक बार सुना इसमें भी नेट में भी देखा कि कुछ सेकेंड डिजीज हो सकती है, कुछ इसका साइड इफेक्ट है। नहीं नहीं नहीं, वैक्सीन का जो है ये देखो, वैक्सीन जो है उसके जो साइड इफेक्ट जो होते हैं बड़े मामूली होते हैं, उसके उसमें दर्द हो सकती है, बुखार हो सकता है, अपना ये सिर में दर्द हो सकती है, कई बार वॉमिटिंग आती है, वो उसके साइड इफेक्ट होते हैं। इस तरह के साइड इफेक्ट्स जो हैं वो नहीं देखे जाते इसमें, आप इसको वैक्सीन से मत लिंक कीजिए, आप इसके लिए डॉक्टर को दिखाइए। 30 डेज के बाद लिया हाँ, और मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, सारे डोज में हुआ था, लेकिन मेरे मिसेज को ना जी थोड़ा सा डिस्चार्ज हो गया। कोई बात नहीं, उसके लिए आप उसके लिए आप किसी डॉक्टर को दिखाइए और वो उसका इलाज कोई मुश्किल नहीं है, वो हो जाएगा, ठीक हो जाएगा, और उसके दूसरी डोज के लिए वेट कीजिए, और जब इनका टाइम आएगा इनको दूसरा डोज कब कर लेंगे? अभी जो कोविशील्ड का जो अंतराल है वो 12 हफ्ते कर दिया गया है, तो आप अपनी पहली डोज से 12 हफ्ते गिन के उनको उस समय लेकर वो डोज लगवाइए। जी 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 जी, 12 हफ्ते के बाद। जी जी बिल्कुल, वही वेरिएंट्स की भी बात आप कर रहे थे, वही टेस्ट्स की बात करते हैं कि रैट और आरटीपीसीआर, तो चलिए ये है कि जहाँ से हम ये समझ पाएंगे कि हमें कोरोना है या नहीं है, लेकिन उसके बाद बहुत सारे ऐसे टेस्ट होते हैं जो घर में होम आइसोलेटेड है उन्हें भी करवाने पड़ते हैं, इसके बारे में थोड़ा बहुत बता दीजिए। देखिए लेबोरेटरी टेस्ट का जो मतलब है वो हमें एक एडिशनल जानकारी देते हैं जी, कि जो हमारे पैरामीटर्स हैं बॉडी के, बायोकेमिकल या इन्फेक्शियस पैरामीटर है उनका स्टेटस क्या है जी। तो अगर हम होम आइसोलेशन के अंदर हैं तो हम चाहें तो अपना एक बेसलाइन डाटा देखने के लिए, फिगर थे देखने के लिए, हम लोग कुछ कॉमन टेस्ट हैं जैसे कि आपका ब्लड काउंट्स हो गए या आपका LFT हो गया, अपना रिनल फंक्शन टेस्ट हो गया, ये करवा सकते हैं, ये मैंडेटरी नहीं है, ये अपनी मर्ज़ी के लिए है। लेकिन जो कुछ ऐसे टेस्ट हैं जिनको हम बायोमार्कर्स बोलते हैं, बायोमार्कर्स क्या हैं? बायोमार्कर्स हैं जो कि हमें बताते हैं कि अगर कोरोना हुआ है, COVID-19 पॉजिटिव कोई पेशेंट हुआ है, तो उसके अंदर जो इन्फेक्शन जो है, जो इन्फ्लेमेशन जो है, उसका क्या स्टेटस है। तो ये टेस्ट हमको ये भी बताते हैं कि बीमारी कितनी है, हमारे जो भी सिम्टम्स हैं उसके साथ में जो हमारे जो मार्कर्स हैं उनका जो वैल्यू है वो हमें गाइड करती है, और जब आदमी ठीक होता है तो इनकी लेवल जब इनके कम आते हैं तो वो हमें गाइड करते हैं कि रिकवरी कैसे हो रही है, कि ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम जो बायोमार्कर्स के जो टेस्टिंग हम करते हैं 48 आवर्स के यू नो इंटरवल में, उनकी रीडिंग से हम लोग ये देखते हैं कि सुधार कितना हो रहा है, और अगर ये लेवल्स आपके राइज भी अगर करते हैं तो उस केस में अलर्ट होने की ज़रूरत है।
उस केस में हमें अपनी जो स्ट्रैटेजी बदलनी होती है, ट्रीटमेंट जो अपनी मॉडलिटी है वो बदलनी पड़ती है, तो ये एक तरह के गाइड होते हैं। तो इसमें जो कॉम्बिनेस्ट है वो सीआरपी है, सी रिएक्टिव प्रोटीन, ये एक एक्यूट फेस प्रोटीन है जिसका लेवल किसी भी इन्फेक्शन में एकदम बढ़ता है, और इसके बढ़ने से हम लोग एक आइडिया लगाते हैं कि जो इन्फ्लेमेशन है वो कहाँ तक पहुँच रही है। उसके बाद डी डाइमर है, फेरेटिन है, IL-6 है, लेकिन मैं आप ये बताऊंगा ये ओवर द काउंटर इन्वेस्टिगेशन नहीं है, ये आइडली तब करवानी चाहिए जब आप होम आइसोलेशन के अंदर हैं। पहले 5 दिन जो अगर आपको कोई सिम्टम है और 5 दिन के बाद भी आप जो भी ट्रीटमेंट ले रहे हैं, मैनेजमेंट कर ले रहे हैं, उनके बावजूद भी अगर आपके ये सिम्टम ठीक नहीं होते तब हम इन टेस्ट को एडवाइस करते हैं कि हमें पता लगे कि रीज़न क्या है कि सिम्टम सबसाइड क्यों नहीं कर रहे। उसके बाद में फिर अगर हम हॉस्पिटल जाते हैं तो वहाँ पे इनका फॉलोअप होता है ये देखने के लिए कि जो भी ट्रीटमेंट है वो काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। जी जी सर, एक सवाल ले लेते हैं। हेलो 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 जी सर, अपना सवाल बोलिए सर। जी जी बोलिए, सवाल बोलिए सर अपना। हाँ सुन, हम सुन रहे हैं आपको, आप सवाल बोलिए अपना, सुन रहे हैं आपको, बोलिए। 45 मेरा कजिन जी 45 अब वो है, ओके, उसने प्रिवेंट किया है, और मेरा अंकल जो है वो 50 अब वो है, तो उसने वो किया है 50 अब वो जो छोटा है उसने कोई शील्ड किया है, जो बड़ा है उसने कोवैक्स किया है। नहीं, बड़े को तो कोवैक्सीन मिल नहीं सकता, वो तो 44 तक ही होता है। जी तो वो किया है, पहले किया है, तो वो ऐसा हुआ है कि उसपे वो डेट ऑफ बर्थ की प्रॉब्लम थी, वो उसपे आधार कार्ड पे, तो जो बड़ा था 45 से वो, तो उसने किया है वही वैक्सीन आपको दोबारा लेना है। अगर कोविशील्ड वैक्सीन आपने पहली पहली डोज ली है तो 12 हफ्ते के बाद में उसकी सेकेंड डोज बनती है, और अगर कोवैक्सीन लिया है तो 4 हफ्ते के बाद उसकी डोज बनती है। तो आप वैक्सीन को चेंज नहीं कर सकते, जो पहले लिया है वही वैक्सीन आपको लेनी है। बिल्कुल, जैसे ये सवाल है, इससे पहले भी कहीं ऐसे सवाल आए हैं कि लोग अब अपने में ही ये डिसीजन लेने लगे हैं, अगर कोविड शील्ड लगाई है तो कोविड शील्ड ही लेनी है, ऐसा नहीं है कि आपने पहला डोज किसी और का लिया है तो अपने मन मुताबिक आप दूसरा कोई और वैक्सीन। इसमें मैं बड़ा स्पष्ट कहना चाहूँगा कि एक तो ये है कि ये सीधी बात है कि जो वैक्सीन जो है वो इंटरचेंजेबल नहीं है, जो पहले आपने लेनी है वही दोबारा लेनी है, और ये हमारा जो वैक्सीन का पूरा प्रोग्राम है वो एक सेंट्रलाइज सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन से चलता है जिसको हम कोविन बोलते हैं। तो ये सिस्टम जो है ये ऑटोमेटिकली ऐसा होने नहीं देगा जी। अगर किसी को पहली डोज जो है वो कोविशील्ड की मिली है तो उसको सेकंड की जो अपॉइंटमेंट है वो कोविशील्ड की ही मिलेगी, उसको कोवैक्सीन की नहीं मिल सकती। कल को कोई और अगर वैक्सीन आती है तो उसके साथ भी ऐसे ही रहेगा। तो इस सिस्टम के अंदर एक फुल प्रूफ मैकेनिज्म है कि इसमें इंटरचेंजेबिलिटी ऑफ वैक्सीन अलाउड नहीं है। जी सर, नेक्स्ट सवाल ले लेते हैं। हेलो जी, अपना सवाल बोलिए सर। जी जी सवाल बोलिए सर अपना। जी मुझे डॉक्टर साहब से पूछना था, क्या हमें खाने में भी आज किसी किस्म का एहतियात करना चाहिए? देखिए, खाने में ऐसा कोई परहेज नहीं हम बोलते हैं, आप जो खाना खाएं खा सकते हैं, बस ये है कि क्योंकि आप ये आजकल जो कोविड का टाइम है उसमें एहतियात ये हम बरत सकते हैं कि जो तीखा खाना होता है या जो अपना फ्राइड होता है ये जो है इसको थोड़ा सा अगर आप अवॉइड करें, और सादा जो अपना कार्बोहाइड्रेट्स वाला जो छोड़ के जो अपना प्रोटीन वाला खाना होता है जिसमें प्रोटीन ज़्यादा होते हैं, और पानी खुला पी सकते हैं आप, फ्रूट्स खा सकते हैं अपने आप को, आप सप्लीमेंट्स होते हैं विटामिन के सप्लीमेंट्स हैं, अपनी एनर्जी अपना इम्यूनिटी को बूस्ट करने के लिए वो ले सकते हैं, पर ऐसे कोई खास परहेज नहीं हम कहते हैं। तो बिल्कुल जैसे आपने कहा, वही ये भी सवाल उठता है कि बहुत सारे पेशेंट जो रिकवर होके अपने घरों का रुख कर रहे हैं, उसके बाद क्या ऐसा हुआ है कि जो पेशेंट वहाँ से गए हो उन्हें दोबारा से ये कोरोना होने का खतरा होता है? क्योंकि मोस्टली ये देखा गया है बहुत सारे लोग जो है वो री इन्फेक्टेड हो जाते हैं इसमें। बहुत बहुत अच्छा सवाल किया आपने। देखिए, जो टेक्निकल डेफिनेशन है री इन्फेक्शन की, वो है कि अगर एक आदमी को एक बार कोरोना पॉजिटिव होता है और उसकी वो रिकवरी हो जाती है जी,
उसके 90 डेज के बाद में अगर उसका दोबारा टेस्ट पॉजिटिव आता है 90 डेज के बाद, तो हम उसको टेक्निकली री इन्फेक्शन मानते हैं जी। इसके पहले के जो अगर पॉजिटिविटी आती भी है तो उसको नहीं कंसिडर करते। उसका रीज़न ये है कि जैसे कि हमने आपको बताया कि डिस्चार्ज के बाद में आजकल हम RT-PCR अलाउड नहीं करते, रिकमेंड नहीं करते जी। उसका रीज़न है कि जो जेनेटिक मटेरियल होता है वायरस का, वो कई लोगों के नाक में काफ़ी देर तक रह सकता है, और अगर हम उसको मतलब नेगेटिव आने के बाद भी, तो अगर हम उनका दोबारा से रीटेस्ट करेंगे तो अगर वो पॉजिटिव आएगा तो वो उसे गलत वहम सा हो जाता है कि कहीं मैं अभी भी पॉजिटिव हूँ। तो डिस्चार्ज जो है वो हमारा क्लिनिकल बेसिस पे होता है, यानी कि सिम्टम्स नहीं है अगर 3 दिन के लिए तो आप कोरोना से बाहर हैं, और रिपीट टेस्टिंग हम रिकमेंड नहीं करते। और यही रीज़न है कि डिस्चार्ज होने के बाद में हम अगर टेस्ट करते हैं तो उसमें पॉजिटिव आने के चांसेस हो सकते हैं, जो बेसिकली फॉल्स पॉजिटिव होता है। वो फॉल्स पॉजिटिव होता है, उसका ये मतलब नहीं है कि आदमी को अभी भी कोविड है। इसीलिए 90 दिन का अंतराल हमने रखा है ये देखने के लिए कि क्या किसी को रीइंफेक्शन हुआ है या नहीं हुआ है। सर मैं एक सवाल ले लेते हैं। हेलो हेलो जी सर, अपना सवाल बोलिए सर। गुड इवनिंग मैम। वेरी गुड इवनिंग सर, अपना सवाल बोलिए। हेलो जी जी, सवाल बोलिए सर अपना। जी मेरा सवाल डॉक्टर से था कि अगर किसी का रैपिड टेस्ट नेगेटिव और RT-PCR पॉजिटिव आता है तो वो क्या करे। देखिए अगर ऐसा कोई सिनेरियो है जिसमें कि एक ही वक्त पे दोनों टेस्ट किए गए हों, वैसे तो हम ऐसा रिकमेंड करते नहीं हैं, एक ही टेस्ट करना चाहिए, पर अगर कभी दोनों सैंपल एक साथ लिए गए हों और उनमें डिस्क्रिपेंसी आती है तो हम उसमें RT-PCR को फॉलो करते हैं, क्योंकि वो एक ज़्यादा सेंसिटिव टेस्ट है रैपिड एंटीजन टेस्ट से। तो ऐसे केस में सर, और मेरा दूसरा सवाल था कि जो इम्यूनिटी बूस्टर जो है वो किस हद तक सही है, वो किस हद तक हमारी इम्यूनिटी गेन कर सकते। देखिए काफ़ी सारी एलोपैथिक मेडिसिंस हैं, आयुर्वेदिक मेडिसिंस हैं, हर्बल मेडिसिंस हैं, ये इनडायरेक्टली आपकी बॉडी की इम्यूनिटी को जो है हेल्प करते हैं, उनका जो आपका जो स्टेमिना को बढ़ाने के लिए हेल्प करते हैं, तो इसमें कोई गलत नहीं है, आप इनको ले सकते हैं। और कोई भी तरीका इसके अलावा अगर खाना भी है, कोई डाइट की बात अगर हम करें या जो हाइड्रेशन की बात करें, विटामिंस की बात करें, फ्रूट्स की बात करें, कोई भी चीज़ हमें अगर हमारी इम्यूनिटी को स्ट्रांग करती है तो वो इसमें वेलकम है। कुछ भी लीजिए पर अपने आप को स्ट्रांग रखिए जी। क्या कोई ऐसा पेशेंट आया है जिसे एक बार पॉजिटिव होने के बाद वो रिकवर होकर गया हो, दोबारा से रीइंफेक्शन हुआ हो? बिल्कुल 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 बिल्कुल। देखिए जी, एक बार कोविड पॉजिटिव होने के बाद में बॉडी के अंदर भी एक नेचुरल इम्यूनिटी आ जाती है जी। और ये देखा गया है कि ये जो इम्यूनिटी होती है ये 3 महीने से लेके 6 महीने तक रह सकती है, कई लोगों में ज़्यादा भी रहती है, डिपेंड करता है कि आपका जो मेकअप है, जो आपका इम्यून मेकअप कैसा है, तो अलग बॉडी में अलग तरह से इसका रिस्पांस होता है। तो जब ये नेचुरल इम्यूनिटी आपकी कम हो जाती है या फिर आप कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर फॉलो नहीं करते हो, आप दोबारा से रिस्क टेकिंग यू नो एक्टिविटीज़ में चले जाते हो, तो री इन्फेक्शन हो सकता है। और हमने कई केस ऐसे देखे हैं जिसमें कि कोविड पहली वेव में वो पॉजिटिव थे, उसके बाद वो रिकवर हुए और उनको इस वेव में दोबारा से हुआ। इसका एक रीज़न ये भी हो सकता है जो नए वेरियंट्स हैं, जो हमारी जो इम्यूनिटी जो हमें पिछली बार मिली हुई है पहले वाले वायरस से, वो इस नए वेरियंट्स में कई बार हमें मदद नहीं करती। तो नया वेरियंट से भी इन्फेक्शन हो सकता है और पुराना वाला जो इम्यूनिटी का जो ड्रॉप होता है उसमें भी हमारी बॉडी दोबारा से इसके मतलब आ सकती है। जी सर एक सवाल ले लेते हैं। हेलो हेलो जी सर जी नमस्कार, सवाल बोलिए सर अपना। जी कोई टॉपिक जी। हाँ जी 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 मैम, मेरे को बताओ जब पॉजिटिव आता है ना जी जी। हेलो हाँ बोलिए। जब पॉजिटिव आते हैं तो पॉजिटिव आता है ना पेशेंट, हाँ जी, देखिए जब एक बार कोई पॉजिटिव आ जाए तो सबसे पहले उसको उस पॉजिटिविटी से बाहर निकलना है, यानी कि उसको होम आइसोलेशन से पहले बाहर निकलना है, यानी कि आप मान के चलिए 14 दिन पहले उसको पहले अपने आप को देने हैं ठीक होने के लिए पूरी तरह से। जब वो ठीक हो जाएगा, यानी कि 14 दिन की बात अगर हम करें कि 14 दिन में उसके सारे सिम्टम ठीक हो जाते हैं, उसके बाद आप कम से कम 1 महीने का वक्फा दीजिए। COVID-19 पॉजिटिव के 14 दिन के बाद 1 महीने का वक्फा देके आप अपना पहला वैक्सीन लगा सकते हैं। अच्छा, 1 महीने के बाद फिर वैक्सीन? जी हाँ, ठीक होने के 1 महीने के बाद जी। ठीक होने के जी 1 महीने के बाद जी जी। अच्छा सर जी, और एक चीज, जो पॉजिटिव केस आता है ना जी,
तो उसके बाद ये उसको करना था ये ना पाइलेट सर्जरी। अच्छा, वो भी मैं आपको यही बोलूंगा कि पहले पूरी तरह से रिकवरी कीजिए, पहले कम से कम एक महीने का वेट कीजिए, अपनी जो आपकी इम्यूनिटी है उसको वापस लाइए, थोड़ी ताकत लाइए, उसके बाद में आप सर्जरी वगैरह करवा सकते हैं। ठीक है जी, वेलकम वेलकम। जैसे इनका सवाल था कि सर्जरी करवानी है, अगर कोई पेशेंट जिसने डेट्स वगैरह ली हुई है, ऑपरेट उनका होना है, तो अगर कोरोना के पॉजिटिव में वो आ जाते हैं, क्या उन्हें ऑपरेशन करवाना चाहिए या इंतजार करना चाहिए? देखिए, अगर तो इमरजेंसी है फिर तो कोई चारा नहीं है, फिर तो करवाना ही है। लेकिन अगर इलेक्टिव कोई इंटरवेंशन है, कोई सर्जरी है, तो वैसे भी कोविड में सिवाय इसके जो प्रेगनेंसी के जो डिलीवरी है एक वो छोड़ के बाकी सब चीज़ें जो हैं वो वेट कर सकते हैं उसके लिए, और मोस्टली सर्जन जो है वेट ही करेंगे इसके लिए, पहले जो कोविड से रिकवरी, उसके बाद में थोड़ा सा बॉडी को रेस्ट का आपको टाइम देना चाहिए, थोड़ा उनका दे शुड रिकवर फर्स्ट, उसके बाद में इलेक्टिव सर्जरी प्लान कर सकते हैं। जी सर, नेक्स्ट सवाल ले लेते हैं। हेलो हेलो जी सर, अपना सवाल बोलिए। हाँ जी मैम, जी सवाल बोलिए सर। हेलो जी, सवाल बोलिए सर अपना। सर एक्चुअली मैडम बात ऐसी है कि मैं कोविड पॉजिटिव था जी, तो अब नेगेटिव हो गया। बढ़िया जी, ठीक। अब मेरी थकावट होती है, बहुत ज्यादा थकावट हो और सांस फूल जाती है। बिल्कुल बिल्कुल, ठीक। देखिए ऐसा है कि कोविड 19 होने के बाद जब आप पूरी तरह से होम आइसोलेशन से या हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हो जाते हैं, तो बड़े लोगों में एक हम चीज देखते हैं जिसको हम बोलते हैं पोस्ट कोविड सिंड्रोम। पोस्ट कोविड सिंड्रोम क्या है कि कोविड खत्म होने के बाद में कई लोगों में कुछ देर तक ये थकावट होना और बदन में दर्द होना, कभी कभी हल्का हल्का बुखार आना, कभी कभी मन खराब होना, इस तरह के कई सारे लक्षण हो सकते हैं, जिसमें कि हार्ट के सिम्टम भी हो सकते हैं, उसमें दिल घबराता है, अपने पल्स आपकी जो बढ़ जाती है, या आपको पूरे बदन में ऐसे सांस फूल जाती है। बिल्कुल बिल्कुल, ये जितने भी सिस्टम हमारे होते हैं, चाहे वो कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम है, नर्वस सिस्टम है, या हमारा जो ये मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम है, रेस्पिरेटरी सिस्टम है, इन सब सिस्टम को धीरे धीरे वक्त लगता है रिकवर होने के लिए। तो इसमें आपने क्या करना है, इसमें हम जो रिकमेंडेशन करते हैं कि कोविड के बाद भी एहतियात बरतने की बहुत ज़रूरत है। एक स्टैगर्ड लाइफ को आप फॉलो कीजिए, यानी कि एकदम अपना जो आपका कोविड से पहले का जो आपका काम करने का तरीका था वैसे मत आइए, आराम से धीरे धीरे ग्रेजुअली अपना काम करने का स्तर बढ़ाइए, और अपनी डाइट का खूब सारा ख्याल रखिए। जितना आप जो आपका रिकवरी का टाइम है वो उतना ही कम होगा जितना आप अपने खाने पीने का ख्याल रखेंगे। मल्टीपल सप्लीमेंट्स लीजिए जो भी आपकी इम्यूनिटी को थोड़ा सा बूस्ट करें, और इसको वक्त दीजिए, जल्दी का नहीं है। कई लोगों में हफ्ते में हो जाता है, कई लोगों में महीने लगते हैं, हमने देखा है कई लोगों को दो दो महीने, तीन तीन महीने लग गए कोविड से बाहर रिकवरी करते करते। तो ये पेशेंस रखिए जी, आपको इसके लिए, और आपको अगर रेस्पिरेटरी की दिक्कत आती है तो उसमें आप ब्रीदिंग अपनी एक्सरसाइज कर सकते हैं, धीरे धीरे इसकी रिकवरी होती है, पेशेंस रखिए, पर ये सब बिल्कुल ठीक हो जाएगा, आप बिल्कुल इसमें चिंता करने की बात नहीं है। ओके जी, थैंक यू। सर वही बहुत सारे पेशेंट जो होम आइसोलेशन में है, क्या कुछ ऐसे सिग्नल्स मिले जब उन्हें जल्द से जल्द अस्पताल का रुख करना चाहिए, देरी ना करते हुए? बिल्कुल, ये जैसे आजकल आप देख रहे हैं हम लोग काफ़ी परेशान हैं अपनी इस डेथ काउंट से, उसमें एक रीज़न जो समझ में आया हमें कि लोग हॉस्पिटल केयर जो होती है, क्रिटिकल केयर जो होती है, वो वहाँ तक पहुँचने में देर लगा देते हैं। अब क्रिटिकल केयर के लिए जो अलार्म है उसका हर एक आदमी को जो होम आइसोलेशन में है उसको पता होना चाहिए, अगर कोई यंग बच्चा है तो उसके माँ बाप को पता होना चाहिए, अगर बुजुर्ग है तो उनके फैमिली मेम्बर्स को पता होना चाहिए कि वो कब तक आपने घर में रहना है और कब आपको घर से बाहर निकलना है। तो उसमें जो मेन बात है कि जो यंग लोग हैं उनको तो हम दो ही बातें बताते हैं कि आपको अपना टेम्परेचर का ख्याल रखना है और आपको अपनी ऑक्सीजन सेचुरेशन का ख्याल रखना है। अगर हम टेम्परेचर की बात करें, अगर आपको बुखार होता है तो आपने जो पैरासीटामोल SOS लेनी है, जब बुखार हुआ आपने ले लिया। आप साथ साथ में गीला कपड़ा अपना माथे पे, हाथों पे, पैरों में रख सकते हैं, आपका मकसद है कि आपने बुखार को बढ़ने नहीं देना। दूसरी बात है आपका कि आपका जो SpO2 है उसका टारगेट 95 से ऊपर आना चाहिए, उसके लिए आपको पता होना चाहिए कि सही तरीके से आपने रीडिंग कैसे लेनी है, और आपने बार बार चार चार घंटे के इंतराल पे अपना टेम्परेचर देखना है और रीडिंग देखनी है। 95 के ऊपर रहेगा कोई बात नहीं, आपने सिर्फ 10 दिन पूरे करने हैं और आपने बाहर आना है। लेकिन अगर 94 या 92, 93 अगर रहता है
तो ये एक ये टाइम है जिसमें आपने थोड़ा अलर्ट होना है, आपने साथ में अपने घर वालों को बोलना है कि हॉस्पिटल की भी तैयारी रखें, और साथ में आपने ऐसी चीज़ें जो आप घर में कर सकते हो इस सिचुएशन को बढ़ाने के लिए वो आप कर सकते हो। उसमें हम प्रूनिंग जो है एक टेक्निक है, हम उसकी बार बार हम लोग बात करते हैं कि जिसमें आप आधे घंटे के लिए उल्टा लेटिए, फिर राइट साइड पे आइए, फिर आप बैठिए, फिर लेफ्ट पे आइए, तो फिर दोबारा से कीजिए। प्रूनिंग करने से आप कुछ हद तक जो है अपना सेचुरेशन को है स्टेबल कर सकते हैं, आप ब्रीदिंग एक्सरसाइज कर सकते हैं, आप योगा अनुलोम विलोम कर सकते हैं, ऐसी जितनी भी एक्टिविटीज हैं जो आपको पैसिवली सपोर्ट करती हैं अपना सेचुरेशन बढ़ाने के लिए, आप उनको फॉलो किए। इन सब के बावजूद भी अगर आपका सेचुरेशन जो है वो 90 के नीचे ड्रॉप कर रहा है और ये सब करने के बाद भी ऊपर नहीं उठता है, तो घर में नहीं बैठना आपने, आपने इमिडिएटली हॉस्पिटल की तरफ रुख करना है, बिकॉज उसके बाद में आप इसको घर में मैनेज नहीं कर सकते। आपको ऑक्सीजन की जरूरत पड़ेगी, आपको दवाइयों की जरूरत पड़ेगी, आपको इंटेंसिव केयर की जरूरत पड़ सकती है जो आपको सिर्फ हॉस्पिटल में पड़ेंगे। तो ये साइंस जो है, और खासकर वो लोग जो कोमॉर्बिड है, अब यंग की बात हमने कर ली, अब कईयों को अगर कोई दिल की प्रॉब्लम है, कोई अगर कंप्रोमाइज्ड है, कैंसर्स हैं या कोई और ऐसी दिक्कत है, तो वैसे इनके लिए तो हम लोग कहते हैं कि जो आपने होम आइसोलेशन भी जो करनी है वो डॉक्टर के एडवाइस पे करनी है। अगर वो आपको रेकमेंड करते हैं कि आप घर में स्टेबल रहोगे, आपके फीचर ठीक हैं, तो ठीक है, नहीं तो किन केसेस में हम इनको हॉस्पिटल में एडमिट करते हैं। जी जी सर, नेक्स्ट सवाल ले लेते हैं। हेलो हेलो जी मैम, अपना सवाल बोलिए मैम। हाँ जी, मुझे डॉक्टर साहब से सवाल पूछना था। हाँ बोलिए, हम सुन रहे हैं आपको, बोलिए। जी जी, जो ये कोवैक्सीन है, जो ये वैक्सीन है कोवैक्सीन और कोविशील्ड। जी हाँ, ये दो तरह की वैक्सीन है, एक कोविशील्ड है और एक कोवैक्सीन है। जी जी, लेकिन यहाँ पर रूमर है कि कोविशील्ड ही बेटर है, कोवैक्सीन में उतनी एफिकेसी नहीं है, और जो ये एज लिमिट किया है 18+ कोवैक्सीन, लेकिन काफी सारी सिफारिश में कोविशील्ड ही करा रहे हैं, जबकि कोवैक्सीन उनके एज के हिसाब से दिखा रहे हैं। यहाँ पर रूमर है कि नहीं बेटर है, कोवैक्सीन उतना इफेक्टिव नहीं है। मैडम आप प्लीज रूमर पे ना जाइए, मैं आपको बता दूं कि अभी आज की डेट में कोविशील्ड और कोवैक्सीन का जो एफिकेसी है ऑलमोस्ट 81% के करीब है, दोनों का बराबर है। कोवैक्सीन जो है वो आप 4 से 6 हफ्ते के अंदर आपको उसकी सेकंड डोज लेनी है, और कोविशील्ड जो है आपको उसकी सेकंड डोज 12 से लेकर 16 हफ्ते के बीच में लेनी है। अगर आप ये दो डोज अपने अपने जो वक्फे पे लेते हो तो इनकी जो इफेक्टिवनेस है वो बराबर है। जी तो वैक्सीन कराना है। बिल्कुल, जो भी आपके वहाँ पे वैक्सीन अवेलेबल है आपकी एज ग्रुप के हिसाब से आप वो लीजिए, कंपैरिजन मत कीजिए, दोनों का फायदा है, दोनों खतरनाक कोविड से बचाती हैं, इसमें कोई शक नहीं है। चले, चले, जी, थैंक यू। बिल्कुल, जैसे इन्होंने भी कहा कि अब ये भी रूमर्स, क्योंकि इस समय इन चीज़ों का फैलना लाजमी है और लोग भी बहुत जल्दी विश्वास कर देते हैं, जो कहीं ना कहीं हमें नहीं करना चाहिए। देखिए, अगर पूरी टीम दिन रात जुड़ी हुई है, वो लोगों के लिए ही जुटी है, और ख़ासकर जब ये स्पेसिफिकली लिखा हुआ है कि 45 उम्र से जितने भी बड़े हैं उनके लिए कोविड शील्ड है, और अगर हम कोवैक्सीन की बात करते हैं 18 से ऊपर है, तो हमें नहीं लगता कि इन प्रकार की बातों पे इस समय ये समय है कि हम इन पे फेथ कर सकें। देखिए, जो ये वैक्सीन की जो रिक्वायरमेंट्स हम जो देते हैं वो डिपेंड करता है कि हमारे पास पीछे सप्लाई कितनी आती है, लॉजिस्टिक के बेसिस पे ग्रुप्स में दिया जाता है कि ये ग्रुप हम अगर छोटा ग्रुप है तो उसको जो कम जो स्टॉक होगा वो वाला वैक्सीन दे देते हैं। ये डायनेमिक है, हो सकता है कल को सभी को कोविशील्ड मिले, हो सकता है कल को सभी को कोवैक्सीन मिले, डिपेंडिंग ऑन द लॉजिस्टिक। तो कंपैरिजन मुझे लगता है कि ये ठीक नहीं है। सारी वैक्सीन जो हैं ये एक काबिले तारीफ मतलब इन्वेंशन है इस साल में, कोविड के साल में, कि हमें एक साल के अंदर 7 वैक्सीनें मिली हैं इससे फाइट करने के लिए। अभी भी हमें ये सवाल नहीं करने चाहिए, हर एक वैक्सीन के कुछ ऊपर नीचे बातें हो सकती हैं, लेकिन ऑब्जेक्टिव सबका एक है, ये सारी की सारी वैक्सीन जितनी भी हैं ये सारी इफेक्टिव हैं, और ये सारे सीरियस कोविड डिजीज से बचाती हैं, सीरियस हॉस्पिटलाइजेशन में जो दिक्कतें होती हैं उनसे बचाती हैं, और ये हम देख चुके हैं। हमारे जो हम लोग जो वो लोग हैं जिनको सबसे पहले वैक्सीन मिला, और हम ऑलमोस्ट बड़े सारे डॉक्टर्स ऐसे हैं जिनको सेकंड फेज में कई बार ऐसा लगा कि हमें कोविड लग रहा है, लेकिन वो वैक्सीन थी जिसके कारण हम लोग आराम से बाहर निकल गए। तो ये हमने अपने ऊपर आजमा लिया है, अब लोगों को इसमें घबराने की बात नहीं है। जिसका जब भी टाइम आता है, जिसकी जब एलिजिबिलिटी आती है, वो अपना पहला डोज लगाएं, उसके बाद में उस वैक्सीन के मुताबिक जो भी उनका अंतराल है उसको फॉलो करें, और सेकंड डोज लगा के अपने आप को सेव करें और कंट्री के लिए भी कंट्रीब्यूट करें, बिकॉज जो वैक्सीन लगाएगा वो ही चेन ऑफ ट्रांसमिशन को तोड़ेगा। बिल्कुल, ये बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल सर, नेक्स्ट सवाल ले लेते हैं। हेलो जी सर, अपना सवाल बोलिए।
हेलो। हाँ जी, सवाल कहिए, क्या सवाल है आपका? जी डॉक्टर साहब, मुझे सवाल है कि क्या मैं मुश्ताक बोल रहा हूँ श्रीनगर से। मुश्ताक जी बोलिए जी, सुन रहे हैं आपको। मेरा सवाल है कि प्रेग्नेंट वुमेन को ये वैक्सीन कर सकते हैं? मुश्ताक जी, ऐसा है कि अभी तक हमारे पास जो वैक्सीन है कोविशील्ड और कोवैक्सीन, फिलहाल ये वैक्सीन जो है प्रेग्नेंट वुमन में और लैक्टेटिंग वुमन में इनका कोई ट्रायल नहीं हुआ है, तो हमारे पास ये जानकारी नहीं है कि इनका आगे रिजल्ट क्या होगा। इसलिए अभी तक जो हमारे पास एडवाइजरी है वो यही है कि हमें फिलहाल ये वैक्सीन इन दोनों ग्रुप में नहीं देनी चाहिए, पर इसके ऊपर अभी काम लगा चल रहा है। बहुत जल्दी ही हम आपको इसके बारे में बताएंगे कि वैक्सीन कब देनी है, क्यों देनी है, कितनी देनी है। थोड़ा सा इसके लिए आप थोड़ा वेट कीजिए। ये और एक सवाल है, जिनको कोई रिएक्शन होती है कुछ चीजें, जैसे एग की रिएक्शन होती है या बनाना नहीं खा सकते या कुछ जिसमें आयरन हो या कुछ उसमें रिएक्शन हो, उनको दे सकते हैं वैक्सीन? नहीं, ये भी एक कंट्राइंडिकेशन है कि अगर किसी को डॉक्यूमेंटेड मेडिकल एलर्जी है किसी खाने की चीज से, किसी और चीज से, तो उनको हम एडवाइस करते हैं कि पहले वो अपना प्रॉपर जो है अपना मेडिकल चेकअप करवाने के बाद, डॉक्टर की सलाह लेने के बाद, क्योंकि एलर्जीज काफ़ी तरह की होती हैं, पर इसमें वैक्सीन के वैक्सीन जिन चीज़ों से बनती है, अगर उसमें से किसी भी चीज़ से एलर्जी है, और इन केसेस में हम एडवाइस करते हैं कि कॉशन और अप्रोच फॉलो करके पूरा सलाह करके ही वैक्सीन लें, इनमें थोड़ा सा रिस्क रहता है। थैंक यू जी। तो बिल्कुल वही समय हो चुका है एक छोटे से ब्रेक का, तो जल्द लौटते हैं एक ब्रेक के बाद। Good evening to all. On behalf of the Department of Health and Medical Education, Government of Jammu and Kashmir, this is today's daily media briefing on the emergent COVID situation in the UT. As of today, 18th May 2021, a total of 3,967 new positive cases have been reported since our last update yesterday, which includes 1,704 cases from Jammu Division and 2,263 from Kashmir Division. Moreover, 3,823 COVID patients have recovered. A total of 71 COVID deaths have been reported, which includes 39 from Jammu Division and 32 from Kashmir Division. Over the period of the last 24 hours, a total of 41,015 COVID tests were conducted, which includes both RAT and RT-PCR. With regards to bed occupancy, against the availability of 5,434 level 1 and level 2 COVID beds, 3,392 stand occupied. With regards to oxygen availability, over the period of next 24 hours, a total of 1,18,761 cubic meters of oxygen shall be made available. As for the ongoing COVID vaccination drive, a total of 12,382 people were vaccinated today, which brings the total number of people cumulatively vaccinated till now to 28,40,028. In the 45 years and above age group, a total of 62.03% people have been vaccinated. Apart from this, all district and divisional level control rooms are functional around the clock. Tele consultations are available on the eSanjeevani portal. Special live call-in program, Cove Talk on Gulistan channel from 8 to 9 in the morning and 8:30 to 9:30 p.m. in the evening. And Doctor Speak on DD Kashir at 8:30 to 9 in the morning and 7:30 to 8 p.m. in the evening are available for viewers to call and ask their queries regarding COVID. Finally, fully free ambulance services are available round the clock on the 108 helpline. Thank you. कोविड की दूसरी वेव से बचें। मेहरबानी करके इस बीमारी को समझने की कोशिश कीजिए, ये बीमारी लाइटली मत लीजिए, क्योंकि मैं इस बीमारी का खामियाजा भुगत चुकी हूँ। लास्ट ईयर 28th of July मेरे हस्बैंड इसी बीमारी से एक्सपायर हो गए। इसी बीमारी की वजह से मुझे इतना बड़ा खामियाजा भुगतना पड़ा। लोग इस बीमारी को इतना ज़्यादा लाइटली ले, ना डिस्टेंस मेंटेन कर रहे हैं और ना ये मास्क यूज़ कर रहे हैं, और जहाँ पे भी गैदरिंग में मास्क यूज़ नहीं करते हैं। मैं सबसे यही इल्तिजा करती हूँ, सबसे पहले मास्क इस्तेमाल करिए, हैंड वॉश करिए, डिस्टेंस मेंटेन करिए, क्योंकि ये इस बीमारी का कुछ भी पता नहीं चलता है कि ये कहाँ से क्या होता है और इंसान कब कैसे इंसान के साथ क्या होता है, क्या नहीं होता है, और इंसान मरने की कगार तक पहुँचता है। नेशनल हेल्थ मिशन जम्मू कश्मीर द्वारा जनहित में जारी। कोविड की दूसरी वेव से बचे। हमने कोरोना में एक अपने परिवार का बहुत ही अमूल्य
सदस्य खो दिया है और इस दुख का सामना जो हम कर रहे हैं ऐसा किसी को भी ना करना पड़े, इसलिए मैं गुजारिश करूंगी सब भारतवासियों और जम्मू कश्मीर की जनता से कि सरकार की तरफ से जो भी कोरोना से बचने के नियम बनाए गए हैं उनका पूरी तरह पालन करें और हमारी तरह अपने परिवार के किसी भी सदस्य को ना खो दें। इसलिए मास्क पहन कर रखें, बार बार हाथ धोएं, सैनिटाइज़र का इस्तेमाल करें, दूरी बनाए रखें, भीड़ भाड़ वाली जगहों पर ना जाएं और बारी आने पर कोविड वैक्सीन ज़रूर लगवाएं। इसलिए जो भी सरकार ने कानून बनाए हैं उनका पालन करें। नेशनल हेल्थ मिशन जम्मू कश्मीर द्वारा जनहित में जारी। ब्रेक के बाद फिर से आप सभी का स्वागत है। तो बिल्कुल जिस तरीके से कॉल्स का सिलसिला भी शुरू है, हम बातचीत कर रहे थे कि सेकेंड वेव जो है वो काफ़ी इसमें सिम्टम्स भी अलग देखने को मिले हैं, जहाँ टेस्टिंग पे भी बात हो रही थी वहीं पे अगर बात करते हैं जैसे डोज को लेकर, जैसे इसमें समय जो है निर्धारित किया गया है उसमें कई लोग सवाल उठा रहे हैं। जैसे आपने कहा था कि ज़्यादा इफेक्टिवनेस जो है उसकी वैक्सीनेशन की काम करते हुए नजर आई, वहीं पर बात करते हैं बहुत से लोग जिस प्रकार से रूमर फैला रहे हैं वैक्सीनेशन को लेकर, सब लोग जानते हैं कि इस समय सिर्फ वैक्सीनेशन ही जो है जो हमें कहीं ना कहीं लड़ा सकती है इस महामारी से, या हम सक्षम है इससे लड़ने के लिए। वैक्सीन को लेने के लिए क्या लोगों की राय ज़रूरी है, या हम ये कह सकते हैं जिन लोगों ने वैक्सीनेशन की हुई है या डॉक्टर्स जो फ्रंट लाइन पर आकर पहले उन्होंने वैक्सीनेशन लगाई, तो कितना ज़रूरी है इस ड्राइव में हर एक नागरिक का पार्टिसिपेट करना? मुझे लगता है कि ये बड़ा अच्छा टाइम है जिसमें कि तीन जो ग्रुप हमारे थे जी, हेल्थ केयर वर्कर, फ्रंटलाइन वर्कर, 45 प्लस कोमॉर्बिड और 18 साल से ऊपर वाले, ये तीनों ग्रुप को अब वैक्सीन लग चुके हैं जी। काफ़ी लोगों को लग चुके हैं। मुझे लगता है इन सब लोगों को जिनको वैक्सीन लगाए इनको खुद वैक्सीन एडवोकेसी करनी चाहिए, खुद को जाके अपने अपने सर्कल में, अपने दोस्तों में, अपनी फैमिलीज में, अपने ऑफिस में जाके खुद अपने आप ये मिसाल क्रिएट करें कि मैंने लगवाया वैक्सीन, मुझे दर्द नहीं हुआ या मुझे ये दर्द हुआ। अब बताइए उनको जो फ्रेंकली जो सच है बताइए, और ये जो डर है या जो हेजिटेंसी है इसको निकालने के लिए अब मुझे लगता है कि अब हम लोगों के बजाय, अब सिस्टम के बजाय गवर्नमेंट बहुत कुछ कर चुकी है, स्टेप कर चुकी है, मास मीडिया कैंपेन चले हैं, अब आवाम को आगे आना चाहिए क्योंकि सबको, काफ़ी उनको लग चुकी है, उनको अपने एक्सपीरियंस शेयर करने चाहिए कि जो भी उनके एक्सपीरियंस है, हम ये नहीं बोलेंगे क्या बोलना उनको, जो उन्होंने क्या महसूस किया टीका लेने से पहले और उसके बाद में, और उनको आगे आना चाहिए और उनको खुद एडवोकेट करना चाहिए कि आइए आप भी लगवाइए। बिल्कुल, वहीं से नेक्स्ट सवाल ले लेते हैं। हेलो 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 जी सर, अपना सवाल बोलिए सर। जी मैम, मैं बोरमला से बोल रहा हूँ, जेएनके से। तो मेरा सवाल ये था कि मेरा ये पॉजिटिव आया था कोरोना ऑलमोस्ट 3 डेज पहले, तो रिकवर भी हुआ था, मैंने सेंसिटिविटी भी करवाया था, वो भी ठीक हुआ जी, ठीक निकला था जी जी। लेकिन क्या हुआ, मुझे बीच बीच में वो दम जैसा हो रहा है। आप 3 दिन पहले पॉजिटिव आए थे? थर्टी डेज पहले आए थे। तो ठीक है, आप तो कोविड से बाहर आ चुके हैं, लेकिन वही है कि आपको जो ये लक्षण जो आपको दोबारा से लग रहे हैं, ये एक पोस्ट कोविड सिंड्रोम कहते हैं हम इसमें, जिसमें कुछ लोगों में कोविड से बाहर आने के बाद में जो ये सांस लेने की दिक्कत या बार बार बुखार आना, ये हल्के लक्षण जो हैं कुछ देर तक रहते हैं। इसमें घबराने की बात नहीं है, कई लोगों को इससे पूरी तरह से निकलने में वक्त लगता है, तो आप जो है थोड़ा सा अपना सेहत का ख्याल रखिए, खाने पीने का ख्याल रखिए, थोड़ी एक्सरसाइज कीजिए और एक धीरे धीरे से अपनी ज़िंदगी में वापस आइए। एकदम जो है कई बार अगर आप जैसे पहले काम करते हैं अगर वैसे ही काम करना शुरू करेंगे तो बॉडी उतनी तरह से रिकवर नहीं करती, तो अपने बॉडी को आराम से थोड़ा वक्त दीजिए कंप्लीट रिकवरी के लिए, और एक स्टैगर्ड वे में आराम से आप अपनी ज़िंदगी में वापस आइए, ये जो लक्षण है ये आपके बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। बिल्कुल, जैसे इन्होंने कहा कि अभी रिकवर हो गए, घुटन सी महसूस हो रही है इन्हें, ये लाजमी है कि जो घुटन है वो हो सकती है क्योंकि थकावट एक तरफ दिखने को मिल रही है। देखिए इसमें हमें समझना है कि जब कोविड होता है वो आपके पूरे सिस्टम्स को इन्वॉल्व करता है, आपका रेस्पिरेटरी सिस्टम आपका इन्वॉल्व होता है, आपका हर्ट सिस्टम होता है, आपकी जो मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम इसमें आपके इन्वॉल्व होते हैं,
तो कोई भी बीमारी अगर है, खासकर ये जो वायरस जो है इतना ये इन्फेक्टिव है, तो बीमारी को से निकलने का वक्त लगता है, बॉडी को अडाप्ट करने में वक्त लगता है, रिकवरी करने में वक्त लगता है। अब ये रिकवरी उतनी फास्ट हो सकती है जितना आप अपनी बॉडी का ख्याल रखेंगे, उसको आपने एग्जर्ट नहीं करने देना। कई बार होता है कि जैसे कि कोविड से पहले आदमी जिस जोश से काम करता है उसी जोश से वो कोविड खत्म होने के बाद में चले आता है, तो बॉडी उतना जल्दी जो है वो नहीं कर पाती, रिस्पॉन्स नहीं दे पाती, उस केस में ये सब बॉडी एक्स वगैरह जो हो सकते हैं। तो हम इसमें जो गाइडलाइंस बड़ी क्लियर बोलती हैं कि आपको एक स्टैगर्ड वे में ज़िंदगी वापस लानी है, यानी कि आराम से धीरे धीरे अपनी एक्टिविटीज़ को आपने लो लेवल से स्टार्ट करना है, उसके बाद में आपने अपनी एक्टिविटीज़ बढ़ानी है, और इस पूरे दौरान में आपको अपने खाने पीने का, अपने हेल्थ का, अपने न्यूट्रिशन का, सप्लीमेंट लेने का, ये पूरा ख्याल रखेंगे तो ये आपका जो रिकवरी पीरियड है ये और छोटा हो जाएगा, जल्दी हो जाएगा। जी सर, नेक्स्ट सवाल ले लेते हैं सर। हेलो जी सर, अपना सवाल बोलिए सर। हाँ बोलिए, हम सुन रहे हैं आपको, क्या सवाल है आपका? नमस्कार सर। नमस्कार जी, नमस्कार। देखिए, जैसे आपने नाम बताया, एक रैपिड है और एक आरटीपीसीआर है। रैपिड वाला जो टेस्ट है ये जल्दी अपना रिजल्ट बता देता है, 20 मिनट से लेके आधे घंटे में इसका रिजल्ट आ जाता है, और जो आरटीपीसीआर है वो एक जो कंफर्मेशन टेस्ट है जो कंफर्म करता है। जी, इसमें अब देखिए, आजकल सैंपल लोड काफी ज्यादा होता है, टेस्टिंग लैब जो है उनमें काफी रश रहता है सैंपल्स का, तो एक दिन दो दिन लग सकते हैं इसकी रिपोर्ट आने में, क्योंकि इसके लिए काफी लंबा तरीका होता है आरटीपीसीआर करने का, उसमें काफी लोगों का रोल होता है उसमें। तो लेकिन जो रैपिड टेस्ट है वो एक स्क्रीनिंग टेस्ट है जो स्क्रीन करता है, और आरटीपीसीआर टेस्ट जो है वो कंफर्मेशन करता है। दोनों के अपने अपने प्रोज एंड कॉन्स है, लेकिन जल्दी स्क्रीनिंग करने के लिए रैपिड टेस्ट हम यूज करते हैं, और कंफर्मेशन के लिए हम आरटीपीसीआर यूज करते हैं। मेरा एक मतलब है, जिसका रैपिड टेस्ट नेगेटिव आएगा जी, तो उसका वो बहुत बहुत सही सवाल किया आपने। देखिए, अगर आपको लक्षण है कोविड 19 के, जैसे कि आपको खांसी बुखार, बदन में दर्द है, और आपने उस समय अपना रैपिड टेस्ट अगर आप करवाते हैं तो आमतौर पर वो पॉजिटिव आना चाहिए, लेकिन अगर वो सिम्टम आने के बावजूद भी नेगेटिव आता है तो आप उस केस में अपना आरटीपीसीआर करवा सकते हैं। लेकिन ऐसे लेकिन जी बोलिए। बिल्कुल, जैसे इन्होंने कहा और आप कहते भी रहते हैं कि आरटीपीसीआर के लिए तब जाइए अगर आपको लगता है सिम्टम्स है, लेकिन रैट टेस्ट है उसमें आपका पॉजिटिव नहीं आया है, फिर अगर डॉक्टर आपको रिकमेंड करते हैं उसके बाद ही आरटीपीसीआर के लिए जाइए। ऐसा नहीं है कि अगर रैट में पॉजिटिव आया है आपको अपने में लग नहीं रहा कि मेरा टेस्ट कैसे पॉजिटिव आ सकता है। ये बहुत जरूरी है, तो ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट, रिसोर्सेज कंजर्व करना बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है हमारे लिए। काफ़ी महंगे टेस्ट हैं, हम लोग फ्री करके दे रहे हैं, गवर्नमेंट फ्री करके दे रही है, तो इसका ये मतलब नहीं है कि हम इनको वेस्ट करें। तो हम बार बार हर फोरम में यही बोलते हैं कि रैपिड टेस्ट का मतलब है कि स्क्रीन करना जी। जल्दी स्क्रीन करना, स्क्रीनिंग हमें जल्दी करनी होती है, इसलिए ये आधे घंटे में रिपोर्ट आ जाती है इसकी, और कंफर्म करने के लिए आरटीपीसीआर है। तो जब हम स्क्रीन करते हैं तो उस स्क्रीनिंग में अगर आपका रेड पॉजिटिव आ जाता है जी। तो वो पॉजिटिव पॉजिटिव, वहाँ पे इसको शंका नहीं होनी चाहिए कि मैं नहीं मानूंगा ये पॉजिटिव नहीं है, वो आप पॉजिटिव है तो पॉजिटिव है, उस केस में आप अपना पैसा और वक्त यहाँ जो भी है कि कहीं बाहर से लोग करवाते हैं, कहीं दोबारा सैंपल लेते हैं, वो मत करिए। एक ही केस में हम रेड के बाद आरटीपीसीआर अलाउ करते हैं कि जब आदमी के अंदर क्लिनिकल सस्पिशन ज्यादा हो, यानी कि सिम्टम काफी ज्यादा हो, पर उसके बावजूद भी आपका रेड जो है वो नेगेटिव आए, वो इसलिए भी आ सकता है कि आपने गलत टाइम पे आप किया, अगर आपने वो भी ऐसा हो सकता है, उस केस में आप कंफर्म करने के लिए आरटीपीसीआर करवा सकते हैं। यही एक ऐसा एक केस है जिसमें हम दोनों टेस्ट एडवाइज करते हैं, अदरवाइज अगर रैपिड टेस्ट पॉजिटिव आता है तो पॉजिटिव पॉजिटिव ही लेना चाहिए। बिल्कुल सर, नेक्स्ट सवाल ले लेते हैं। हेलो हेलो जी सर, अपना सवाल बोलिए सर। हाँ डॉक्टर साहब जी बोलिए। हाँ डॉक्टर साहब, ये मेरा एक बच्चा है 22 ईयर्स का, एज का है, ठीक है, तो फिर इसने ये टेस्ट किया है अस्पताल में जी, तो वहाँ से ये पॉजिटिव आया है। कब आया पॉजिटिव? वो 8 तारीख को आया पॉजिटिव। 8 तारीख को पॉजिटिव आया, ठीक है। हाँ सर,
दवाई लाई है मेडिकल शॉप से लाई दवाई, हाँ? इसे इसे 5 दिन का खाया, वो दवा बराबर नहीं पहुंची। ठीक है, दवा इसने खाई 5 दिन डोज बराबर खाई। जी 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 जी, हाँ सर। अच्छा सुन रहे, फिर बोलिए। तो उसके बाद सर इसने 8 तारीख को किया ये और एक टेस्ट। अच्छा, हमारे पूछने के बगैर। ठीक, गया खुद ही इसने किया, 7 दिन के बाद किया वो एक टेस्ट, वो सर वहाँ भी पॉजिटिव आया है। ठीक है, वो पॉजिटिव आया। हाँ सर, उसके बाद दूसरी बार सर फिर उसको उसी मेडिकल शॉप ने दिया एंटीबायोटिक, और जो उसने पहले दिया दवा वही दिया दोबारा। ठीक, तो वही दवाई इसको दिया, आप क्या करेंगे, खाएंगे एंटीबायोटिक, इसको अवॉइड करेंगे? देखिए, इसका बड़ा सिंपल जवाब है, इसका समझिए प्लीज। क्या आपके बेटे को आज की डेट में बुखार है? नहीं, बुखार तो सुबह था, तो फिर पैरासिटामोल दिया हमने, तो ठीक हो गया। ठीक है, तो देखिए ऐसा है कि पॉजिटिव आने के 10 दिन के बाद अगर बच्चे को बुखार नहीं है, कोई और लक्षण नहीं है, तो ना तो उसको टेस्ट को करवाने की जरूरत है, और सिर्फ 4 दिन और घर में रह के उसके बाद में उसका होम आइसोलेशन खत्म हो जाता है। सिर्फ आपको आपको सिर्फ देखना है कि लक्षण कब खत्म हो रहे हैं। लक्षण अगर रहते हैं तो आपको हॉस्पिटल जाना है 5 दिन के बाद, और 10 दिन के बाद में अगर लक्षण नहीं रहते हैं तो आपको बिल्कुल चिंता मुक्त होकर अपना आइसोलेशन से निकलने का कोशिश शुरू करना चाहिए। 14 दिन के बाद में अगर लक्षण नहीं है, कोई टेस्ट करवाने की जरूरत नहीं है, उसको समझाइए, कोई बात दोबारा टेस्ट कराने की जरूरत नहीं है। कई लोगों में टेस्ट काफी देर तक नेगेटिव आने के बाद भी पॉजिटिव आता रहता है, वो उनको बीमारी नहीं होती है, वो इन्फेक्शस नहीं होते हैं, पर फिर भी उनका टेस्ट पॉजिटिव आता है और वो उस अपने पॉजिटिव टेस्ट के चक्कर में घबराए रहते हैं। इसलिए हम लोग, एक मसला है सर, ये जो एंटीबायोटिक इसके पास अभी 2 टैबलेट है, वो खाएगा कि नहीं? नहीं खाना, नहीं उसकी जरूरत नहीं है। पहले भी एंटीबायोटिक्स कम रिकमेंड नहीं करते हैं। देखिए, अब अपने अपने आप दवाई मत लीजिए, किसी डॉक्टर को पूछिए। एंटीबायोटिक्स आपको तब लेनी होती है जब आपको कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो, तो इसमें माइल्ड केसेस में इसकी कोई जरूरत नहीं होती है। अपने आप लेके दवाइयां मत खाइए, अभी दवाइयां बंद कीजिए, और कोई आपको टेस्ट कराने की जरूरत नहीं है। अगर वो उसको लक्षण नहीं है तो उसको आराम करने दीजिए कुछ दिन, और 4-5 दिन के बाद में उसको आप घर से बाहर निकालिए, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे इनकी इसकी बात करते हैं, एक बार 6 तारीख को टेस्ट आ गया, फिर 4 दिन बाद वो दोबारा टेस्ट करने गए, और देखने वाली बात ये है कि खुद ही से केमिस्ट की शॉप पे जाके दवाइयां देख रहे हैं। यही चीज हम समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि एक तो 4 दिन के बाद में टेस्ट करना तो बनता ही नहीं है, किसी भी केस में बनता नहीं है, और ऐसे ये कंफ्यूजन अपने लिए क्रिएट करते हैं, और इस तरह की ओवर द काउंटर मेडिकेशन जो लेते हैं, यही से बातें खराब होती हैं, यही चीजें बाद में दिक्कत करती हैं। दवाई जो है, ऐसी कोई दवाई नहीं जिसका साइड इफेक्ट नहीं है। जी। अगर आप दवाई बिना मतलब के लेंगे, सही वक्त पे नहीं लेंगे, सही डोज पे नहीं लेंगे, तो वो नुकसान करेगी, और ये नुकसान किसी को भी ठीक नहीं रहता। तो ऐसी प्रैक्टिसेस मुझे लगता है कि ये हमें इनको समझना चाहिए कि ये बंद करें, और जो एडवाइजरी फॉलो करें, और यहाँ पे शक है, यहाँ पे कंफ्यूजन है, वहाँ पे डॉक्टर की राय लें। जी बिल्कुल सर, नेक्स्ट सवाल ले लेते हैं सर। हेलो, हाँ बोलिए, सुन रहे हैं आपको, क्या सवाल है आपका? हाँ बोलिए बोलिए, जी जी जोर से बोलिए, थोड़ा जोर से बोलिए। हेलो, आवाज आ गई। तो बिल्कुल यहाँ पे अपना जो हम बार बार कहते रहते हैं कि खुद का इलाज जो है खुद से नहीं करना है, डॉक्टर के पास जाना बहुत जरूरी है, क्योंकि देखिए जैसे इन्होंने एक बार टेस्ट करवाया, दूसरी बार फिर से टेस्ट करवाया, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो मानने को तैयार नहीं होते कि वाकई ये हमारी रिपोर्ट है। लेकिन अब समझना पड़ेगा कि इस पैंडमिक के साथ ही हमें अपना जीवन व्यतीत करना है, लेकिन देखने वाली बात यह है कि इस ये चेन फैले ना, उसके लिए ये समझिए कि एहतियात को बरतेंगे आप रिकवर हो जाएंगे, 10 दिन नहीं, 12 दिन नहीं, लेकिन आप रिकवर होंगे। मगर इस तरीके से अगर आप अपना बिहेवियर रखेंगे, आप सोसाइटी को भी खतरे में डाल रहे हैं, जिस केमिस्ट शॉप पे आप लेने जा रहे हैं, अगर आप छुपा रहे हैं तो वहां पर भी ये चेन बढ़ सकती है, वहां पर रिस्क को दे सकते हैं। बिल्कुल, जाहिर है सेल्फ मेडिकेशन जो है ये बिल्कुल स्ट्रिक्टली नो है, और जानिए इस चीज को। इवन जो पैरासिटामोल है, हम जो कहते हैं बड़ा सेफ ड्रग है, हम जब उसको रिकमेंड करते हैं तो हम लिखते हैं SOS कि जब आपको उसकी जब बुखार है तब इसको लीजिए। पर कई बार हमने देखा है लोग इसको घंटे घंटे में ले रहे हैं, बुखार आया तो खाली,
अब इसका ये मतलब नहीं है कि अगर ये सेफ रहेगा तो उसकी कोई लिमिट नहीं है। इवन पैरासिटामोल को भी अगर आप ऐसे खाते जाएंगे तो उसके भी साइड इफेक्ट होंगे। ये चीज़ समझना ज़रूरी है कि दवाई की डोज, ड्यूरेशन, टाइमिंग जो है, ये फैसला आप डॉक्टर के पास छोड़ दीजिए और इसको सेल्फ मेडिकेट में मत कीजिए। बिल्कुल सर, नेक्स्ट सवाल लेते हैं। हेलो हाँ कहिए, क्या सवाल है आपका? हेलो यस, हाँ जी बोलिए जी, कोविड डॉक्टर से बात कर रहे हैं? हाँ हाँ बिल्कुल बोलिए, क्या सवाल है आपका जी? सवाल ये है डॉक्टर साहब से, मुझे ये कहना था कि मतलब जो कोविड है अगर उसको खांसी वगैरह होगी तो अगर वो टेस्ट नहीं करेगा जी तो उसको क्या सेल्फ आइसोलेट करना जरूरी है खुद को? देखिए बड़ा अच्छा सवाल किया आपने। देखिए ऐसा है कि कई बार ऐसे हालात होते हैं कि टेस्टिंग पॉसिबल नहीं होती आदमी के लिए, वो कैसे एरिया में रहता है, यहाँ पे टेस्ट मतलब नहीं है, यहाँ जो सेंटर का टाइमिंग खत्म हो गया है। ये बहुत बढ़िया सवाल किया आपने कि अगर ऐसे किसी को लक्षण हैं कोविड के, बुखार, खांसी, बदन में दर्द या जो बाकी सिम्टम रहते हैं और किसी ना किसी तरह कारण वो अपना टेस्ट नहीं करवा पा रहा, तो ज़रूरी है कि वो अपने आप को आइसोलेट करे और जब भी उसको चांस मिलता है अपना टेस्ट करवाने का तो टेस्ट करवाए। बहुत सही सवाल किया आपने। तो आप कंफ्यूजन रिगार्डिंग अगर किसी को ऐसे सिम्टम क्रिएट होंगे हाँ, तो ये मुझे बताइए कम्युनिकेट खाली मतलब छींक के साइड से होता है या किसी बंदे को हाथ लगाने से भी हो सकता है? देखिए क्लोज कांटेक्ट से होता है ना, क्लोज कांटेक्ट यानी कि जब आप किसी के सामने एक मीटर के दायरे में खड़े हैं, आप उससे बात कर रहे हैं, आपने मास्क नहीं पहना, उसने मास्क नहीं पहना, दोनों ने मास्क नहीं पहना, तो जो इन्फेक्टेड है वो दूसरे को दे सकता है। कई बार ऐसा भी होता है कि आपने अपने मुंह पे अपना रुमाल रख लिया सपोज, ठीक है, या आपने अपने फोन से बात किया और वो फोन आपने किसी और को दे दिया, तो एक चांस वो भी रहता है कि उससे भी जो है इन्फेक्शन हो सकता है। इतना ज्यादा नहीं रिस्क है पर चांस उसमें भी रहता है, लेकिन जो मेजर जो उसका ट्रांसमिशन का जो चैनल है वो आपका जो एयरबॉर्न है, यानी कि आपके मुंह से जब आप बात करते हैं, खांसी करते हैं, छींकते हैं, तो उससे आपके पास जो भी वहां पे 10-15 मिनट के लिए कोई खड़ा होगा तो उसको ये इन्फेक्शन हो सकता है। और एक सवाल था, जो परसों एडवाइजरी आई थी कि अगर कोई मतलब पॉजिटिव होगा तो आप 10 डेज सीधा बैक टू गो फॉर टेस्टिंग अगेन? नहीं ऐसा नहीं, ऐसा जो सिम्टम्स लक्षण वाले बंदे लग रहा है उसको खाली 10 दिन आइसोलेट करना है? देखिए जो आइसोलेशन की एडवाइजरी ये कहती है कि आपको अगर 10 दिन तक अगर आपको लक्षण जो आपके नहीं है और खास तौर से लास्ट 3 दिन में बुखार नहीं है बिना किसी दवाई को लिए हुए, तो आप अपनी आइसोलेशन खत्म कर सकते हैं। ठीक है, और उसके बाद और आइसोलेशन खत्म करने के बाद में आपको दोबारा आरटीपीसीआर या रैड टेस्ट करवाने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है जी ओके, वेलकम। बिल्कुल वही, जैसे बात करते हैं कम्युनिकेबल डिजीज़ की, पहले भी हमें ये बताया जाता है या पढ़ाया जाता है कि जब भी आप खांसते हैं या छींकते हैं अक्सर अपना हाथ जो है वो फेस के आगे रखना हाँ। चाहिए, क्योंकि पहले भी खांसी जुकाम जो है एक दूसरे से एक शख्स से दूसरे की ओर ट्रांसफ़र हो सकता था। तो अब ये लाजमी है कि जहाँ इतना बड़ा कोरोना जो पॉजिटिव कर रहा है, अगर उसमें आप बिना मास्क के किसी के आगे खड़े होते हैं, छींकते हैं, खांसते हैं, तो उसमें चांसेस ज्यादा है कि ये इन्फेक्शन एक से दूसरे की तरफ फैल सके। तो यही कोविड एटिकेट्स की हम जो बात करते हैं कि अगर मास्क पहना हुआ तब भी अगर खांसी आती है तो आप ऐसे करके जो सामने जो उसको मतलब फेस ना करो किसी के, अपना जो डायरेक्शन है उसका वो चेंज कीजिए, उसी के साथ में जो आपका जो एक आदत होती है थूकने की, बार बार कहीं गए वहां पे थूक दिया, स्पिटिंग जो है इस माहौल में, ऐसे माहौल में कोई पॉजिटिव होगा स्पिटिंग करके वो जो रिस्क है बाकी लोगों के लिए बढ़ा रहा है। तो ये जो एटिकेट्स हैं ये इनका एक वक्त है, हमें इनको दोबारा से रिव्यू करके अपनी लाइफ में अडॉप्ट करना है और कोई गलती कर रहा है तो उसको बताना है कि भाई ऐसे मत करो, इससे ये खतरा हो सकता है, उसको समझाइए, कोई अगर मानता है तो अच्छी बात है, नहीं तो उनको भी सबको समझना चाहिए कि इस समय इनका एक काफ़ी रिस्क है मतलब इस कोविड को लेके, तो ये कंट्रोल करें इस चीज़ को फॉलो करें जी। सर नेक्स्ट सवाल ले लेते हैं। हेलो हेलो जी सर, अपना सवाल बोलिए सर। जी दिलस्तान में सर। हाँ बोलिए सुन रहे हैं आपको। हाँ जी, मेरा सवाल है कि अगर कोई बंदा है उसे वैक्सीन करवाया है कोविशील्ड का जी, हाँ जी बोले जी पहला जो कोविशील्ड का उसने करवाया हाँ जी, तो
दूसरा डोज वो दूसरे वैक्सीन जैसे कोवैक्सीन या वो स्पुतनिक वगैरह करवा सकता है? नहीं, ऐसा ऐसा ना तो वो करवा सकता है और ना ही ऐसा कोविन सॉफ्टवेयर होने देगा। जिस सॉफ्टवेयर से आपने पहली वैक्सीन बुक करवाई है अपनी, वो सॉफ्टवेयर आपको बाय डिफॉल्ट वही वैक्सीन देगा जो आपने पहली बार लगाई है। वैक्सीन की कोविशील्ड की पहली डोज करवाई है, दूसरी वही आपको मिलेगी, वही आपको मिलेगी। आप इंटरचेंज नहीं कर वैक्सीन को कर सकते, ये अभी तक साइंटिफिकली परमिटेड नहीं है। वही जैसे आपने बोला कि एथिकेट्स को, बेसिक एथिकेट्स को अब दोबारा से हमारा पालन करना बहुत जरूरी है, खासकर ये तब करना जरूरी है। बाहर तो हम यूजुअली मास्क पहन के निकल रहे हैं, जब घर परिवार में बैठते हैं, खाने के टेबल पे बैठते हैं, या बहुत सी चीज़ें होती हैं जहाँ परिवार इकट्ठे बैठ के बैठता है, बेशक डिस्टेंस होती है, अगर वहाँ पे किसी को छींक आती है, खांसी आती है, तो उस समय बहुत ज़रूरी है, क्योंकि खाने के टाइम अक्सर मास्क तो नहीं पहना होगा, लेकिन हाथ जरूर अपने फेस पे जो है वो रखना चाहिए। तो ऐसे टाइम पे जब आप घर के अंदर हैं, मास्क खोला हुआ है आपने, उसमें आप जो सेफ्टी अपना जो है वो अपनी इंक्रीज कर सकते हैं सोशल डिस्टेंसिंग से। बिल्कुल, यानी कि अगर आप बैठे भी हैं तो एक अपना जो गैप है फैमिली मेंबर्स का वो बढ़ा दीजिए। एक और बात हम इसी के कंटेक्स्ट में बात करेंगे, अक्सर हम देखते हैं ऑफिसेज में ब्रेक होती है, खाना खाते हैं, चाय पीते हैं, मास्क खोलना पड़ता है उसके लिए। ये प्रैक्टिस भी हम अपने सर्कल्स में एडवोकेट करते हैं कि फिलहाल खाने के लिए ग्रुप में खाने वाली जो एक्टिविटीज़ हैं उन पे लगा दीजिए, उनको रोकिए। ऐसी कोई भी जो कैजुअल एक्टिविटी होती है, जैसे कोई काम किया, चाय आ गई, चार लोग बैठ गए टेबल पे, मास्क खोल के चाय पीने लगे, कुछ खाने की बात होगी, लंच का टाइम आ गया, फिलहाल ये वक्त नहीं है अपना गार्ड स्लो करने का। दिस इज ए पोटेंशियल रिस्क फैक्टर फॉर गेटिंग इन्फेक्टेड, खासकर क्लोज यू नो एरियाज में। तो अगर खाना भी खाना है आपने, मेक श्योर कि आपके ऑफिस की खिड़कियाँ खुली हों, फैन चल रहा हो आपका, और आप बाकी लोगों से सेफ डिस्टेंस पे बैठे। बिल्कुल सर, एक सवाल ले लेते हैं। हेलो जी सर, अपना सवाल बोलिए सर। मैं श्रीनगर से बात कर रहा हूँ, मेरा नाम रफीक है। रफीक जी, क्या सवाल है आपका? रफीक, मेरे को थोड़ी सी गले में जी। हेलो, हाँ बोलिए बोलिए बोलिए, सुन रहे हैं। मेरे को थोड़ी सी गले में खराश रहती है और मेरे पांव से थोड़ी सी आग निकलती है। मैंने जो है दोनों डोज लिए हुए हैं, 27 अप्रैल को मैंने दूसरा डोज भी लिया हुआ है। अच्छा, ठीक। देखिए वैक्सीन के साथ में तो इन दोनों का कोई डायरेक्ट लिंक नहीं है। वैक्सीन जो है उसके साथ के लक्षण जो है वो ज्यादातर 2 या 3 दिन के बाद ठीक हो जाते हैं। जो भी समझ गया आपके, लेकिन जो गले में खराश थे उसमें कोई वो कोविड का मसला नहीं है? नहीं, कोविड नहीं होगा अभी फिलहाल, अभी आपको कोविड तो का चांस नहीं होता इसमें पोस्ट वैक्सीनेशन में, लेकिन इसको आप वैक्सीन के साथ में लेना कीजिए। ये वैक्सीन के साथ में के साइड इफेक्ट नहीं हो सकते, ये आपको मामूली जो है आप इसको मौसमी कह लो या कोई और इसका रीजन हो सकता है, लेकिन वैक्सीन के लिए आपको घबराने की जरूरत नहीं है। वैक्सीन का एक्चुअली मैं तो सेटिस्फाई हूं, लेकिन दूसरी बात में जैसे आग निकलती है तो ये क्या मसला है? इसके लिए आपको दिखाना चाहिए डॉक्टर को जाके बाद में कभी, ये तो एग्जामिन करना पड़ेगा केस टू केस बेसिस पे, पर डायरेक्टली आप इसको वैक्सीन का के साथ में लिंक मत कीजिए, उसका ऐसे कोई रिलेशन नहीं। थैंक यू, वेलकम। बिल्कुल भाई, डाइट के साथ साथ इस समय बात करते हैं, योगा बहुत से लोग कर रहे हैं, घर में एक्सरसाइजेस बहुत से लोग कर रहे हैं, घर पे किस प्रकार का इस समय माहौल रखें, क्योंकि बच्चे मोस्टली फ़ोन में बिजी है, पेरेंट्स टेलीविजन के साथ जुड़े हुए हैं, सिर्फ अगर टाइम कहीं मिलता है तो खाना खाने के लिए खा रहे हैं मोबाइल फ़ोन, और यही चीज़ें हो रही है। उसमें कितना ज़रूरी है कि घर का माहौल जो है वो पॉजिटिव हो, क्योंकि एनजाइटी की तरफ, डिप्रेशन की तरफ ना जाए, क्योंकि इस समय बाहर तो बिल्कुल भी जा नहीं सकते, लेकिन घर में किस प्रकार का वातावरण होना चाहिए? बहुत बहुत अहम सवाल है ये, बहुत सवाल है। एक तो हमें घर में रह के फॉलो करना है कर्फ्यू का जो आदेश है जी। घर में रहें, बिना किसी काम के ना जाएं, और जब घर में रहें तो अपने आप को एंगेज रखें। देखिए हम तरसते हैं नॉर्मल डेज में कि छुट्टी मिले हमें, ठीक है, अब ये इतनी छुट्टियां अगर मिली हैं तो अब हम कहते हैं कि अब हम बोर हो रहे हैं, तो बड़ा कुछ है सीखने के लिए जो हम नहीं कर सके जब वक्त नहीं था हमारे पास। आज वो लोग खुशकिस्मत हैं जिनके पास वक्त है, और वो अपनी वो सारी की सारी जो उनकी पुरानी हॉबीज थी, जो उनकी ख्वाहिशें थी जी। और आजकल नेट है, इंटरनेट है, आप कुछ उसमें नया ढूंढ सकते हैं। अपने आप को कंस्ट्रक्टिवली एंगेज रखिए, पॉजिटिविटी आपकी जो है वो आपके अपने आप को, आपको खाली बैठे रहेंगे तो दिमाग में ख्याल आएंगे आपको, आप कहीं नेगेटिव थॉट्स में जाएंगे, अपने आप को कंस्ट्रक्टिवली एंगेज कीजिए, कुछ
पॉजिटिविटी जो है आपको अपने काम से मिलेगी, अपना जो हॉबीज़ हैं उन पर फोकस कीजिए, कोई नई स्किल डेवलप कीजिए। ऐसा कई बार लोगों को मन में होता है कि काश मैंने ये सीखा होता, वो जो काश है उसको पूरा करने का वक्त आज है, अभी है, ये पूरा कीजिए और अपने आप को एक नेगेटिविटी से की तरफ ना लेके पॉजिटिविटी और कंस्ट्रक्टिविज्म की तरफ लेके जाइए और अपना ये जो एटीट्यूड है बाकी में भी फैलाइए। तो बहुत ज़रूरी है कि जो पेशेंट भी होम आइसोलेशन में है वो भी अपने आप को कहीं ना कहीं बिजी रखे। ऐसा नहीं कि जैसे कहा जाता है कि खाली दिमाग शैतान का घर है, वो हमें बिल्कुल नहीं रखना है, एक पॉजिटिव माहौल बनाना बहुत ज़रूरी है। तो चलिए अब समय हो चुका है अलविदा लेने का, तो मुझे और सर को दीजिए इजाज़त। नमस्कार। नमस्कार।